दोस्तों, आए दिन इंटरनेट पर लोग समय यात्री होने का दावा करते रहते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तय कर पाना बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन अभी कुछ ही साल पहले एक व्यक्ति ने इंटरनेट पर एक वीडियो अपलोड किया था जिसने टाइम ट्रेवल के सिद्धांत को लेकर फिर से चर्चाएं शुरू कर दी थी। ये वीडियो फुटेज एक बॉक्सिंग मैच का है जो कि 1995 में रिकॉर्ड किया गया है, और इस वीडियो में एक शख्स को देखा गया जो कि स्मार्टफोन से इस सारे मैच को रिकॉर्ड कर रहा है, जबकि 1995 में स्मार्टफोन्स का अस्तित्व ही नहीं था। तो चलिए जानते हैं कि क्या है इस पूरे वीडियो की सच्चाई। दोस्तों, आज हम एक ऐसे वीडियो के बारे में बात करेंगे जिसे YouTube पर अपलोड होते ही लोगों के बीच फिर से समय यात्रा को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल ये वीडियो साल 1995 का है जिसे 2015 में जेमी बैटन नामक एक YouTube यूजर ने अपने चैनल पर अपलोड किया था। ये वीडियो साल 1995 में माइक टाइसन और मैकलिनी के बीच हुए एक बॉक्सिंग मैच का है। वैसे ये बॉक्सिंग मैच कोई बहुत ही खास नहीं था, लेकिन ये वीडियो खास इसलिए बन जाता है कि इस वीडियो में दर्शकों के बीच भीड़ में एक ऐसा व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो अपने कैमरे से इस मैच को रिकॉर्ड कर रहा है। अब ऐसा तो अक्सर ही होता है कि जब आप ऐसे किसी भी जगह पर होते हैं तो उस पल को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लेना चाहते हैं। ये बात बड़ी ही सामान्य है, लेकिन जो बात इतनी सामान्य नहीं है वो ये कि उस व्यक्ति ने जो कैमरा पकड़ा हुआ है वो दिखने में एक स्मार्टफोन जैसा लगता है। जेमी बैटन ने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा है, साल 1995 में लास वेगस में हुए माइक टाइसन और पीटर मैकलेनी के बीच बॉक्सिंग मैच। भीड़ में कोई व्यक्ति स्मार्टफोन जैसे दिखने वाले कैमरे से फोटो लेता हुआ देखा जा सकता है। वर्तमान डिवाइस या 90s से पहले का डिवाइस / एलियन। कई लोगों का मानना है कि वीडियो में दिख रहा ये शख्स एक समय यात्री है जो अपने स्मार्टफोन से ये सब रिकॉर्ड कर रहा है। इस वीडियो के अस्तित्व में आने के बाद कई लोगों ने अपनी अपनी राय शेयर की है। इनमें से जो बात सबसे ज्यादा लोगों के बीच चर्चा में है वो ये कि जो डिवाइस इस व्यक्ति के हाथ में दिखाई दे रहा है वो दिखने में सैमसंग गैलेक्सी S3 जैसा दिखता है, जो कि 2012 में लॉन्च किया गया एक एंड्रॉयड मॉडल का स्मार्टफोन है। एक व्यक्ति ने उस वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा है कि ये चीज सैमसंग गैलेक्सी S जैसी दिखती है। वहीं कई लोग उस व्यक्ति के समय यात्री होने के दावे को सिरे से नकार चुके हैं। उनका मानना है कि अगर ये समय यात्री होता और इसका डिवाइस एक स्मार्टफोन होता तो उसके आसपास के लोग कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे। ऐसा लगता है जैसे ये सब उनके लिए बड़ा ही सामान्य है। वहीं कुछ लोगों का ये कहना है कि ये मैच बड़ा ही औसत दर्जे का था और कोई इस औसत दर्जे के मैच के लिए समय यात्रा क्यों करेगा। एक और यूजर लिखता है कि भीड़ में से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, इसका मतलब है कि ये उस समय की कोई सामान्य तकनीक है। वहीं एक दूसरा व्यक्ति लिखता है कि अगर वो वास्तव में एक स्मार्टफोन होता तो मुझे भीड़ से ज्यादा प्रतिक्रिया की उम्मीद थी। जबकि दूसरे ने तर्क दिया, 90 के दशक में बहुत सारे कैमरे थे जो इस तरह के दिखते थे। मैंने कई खोजने के लिए गूगल पर सर्च किया और एक ऐसा ही कैमरा खोज निकाला है। स्नॉप्स ने तब से साजिश के सिद्धांत पर गौर किया और निष्कर्ष निकाला कि दावा झूठा है। लेख में कहा गया है, बेशक यहां देखा गया फोटोग्राफिक उपकरण एक प्रकार के कैमरे फोन जैसा दिखता है, जो 1995 के बाद कई वर्षों तक नहीं बेचा गया। ये कई हैंडहेल्ड कैमरे में से किसी एक जैसा दिखता है जो वास्तव में 1995 में व्यापक रूप से उपलब्ध थे। वे आगे लिखते हैं कि चूंकि वीडियो की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है जिसकी वजह से उस कैमरे का वास्तविक मॉडल पता कर पाना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन हमें कई कैमरे मिले हैं जो वीडियो में देखे गए कैमरे के जैसे ही दिखते हैं और वो आम तौर पर 1995 में उपलब्ध थे, विशेष रूप से कैसियो QV-10A, कैसियो QV-100 और लॉगिटेक फोटोमैन। उनका मानना है कि इस वीडियो में दिख रहा व्यक्ति कोई समय यात्री नहीं बल्कि उस समय उपयोग में चल रहे पीछे बताए गए पॉकेट कैमरे में से किसी एक को यूज कर रहा है।
और किसी भी मामले में 1995 और पहले कैमरा फोन तकनीक के लॉन्च के बीच का अंतर केवल कुछ वर्षों का ही था। इसलिए जिस व्यक्ति के पास 1995 में कैमरा फोन था वो वास्तव में अपने समय से आगे नहीं होता। तो दोस्तों, ये कुछ सिद्धांत हैं जो अलग अलग तथ्यों के साथ लोगों ने शेयर किए हैं, पर आज तक इसका कोई ठोस स्पष्टीकरण सामने नहीं आया। आप भी वीडियो को देखकर बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या वो कोई समय यात्री है जो कि एक स्मार्टफोन का यूज कर रहा है, या एक आम इंसान जो उस समय के बताए गए पॉकेट कैमरे का उपयोग कर रहा है। कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, आपको आज का अंक कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस करें।